गया जिले के इमामगंज थाना क्षेत्र से सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों की ओर से नक्सलियों पर चलाए जा रहे सर्च अभियान के दौरान नक्सलियों के गढ़ से भारी मात्रा में हथियार के साथ एक हार्डकोर नक्सली अशोक कुमार भक्तों को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया के SSP ने मीडिया को इस बात की जानकारी दी। गया SSP हरप्रीत कौर ने बताया कि यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई है। हालांकि इमामगंज इलाके में सुरक्षा बलों के सर्च ऑपरेशन काफ़ी दिनों से चलाए जा रहे थे। इस दौरान उन्हें इमामगंज थाना के दुखतपुर गांव में गुप्त सूचना मिली कि नक्सली अशोक कुमार भोक्ता इलाके में बड़ी घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में है। उसके पास भारी मात्रा में हथियार है। गुप्त सूचना पर एक्शन लेते हुए सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार के साथ हार्डकोर नक्सली अशोक कुमार भोक्ता को गिरफ्तार कर लिया। इस क्रम में उसके पास से बड़े और अत्याधुनिक हथियार बरामद हुए हैं। पुलिस की ओर से मिली जानकारी के अनुसार अशोक कुमार भोक्ता के पास से कारतूस सहित अन्य सामान बरामद किया गया है। मौके से 340 कारतूस और वाकी टॉकी भी बरामद हुआ है। SSP हरप्रीत कौर ने बताया कि AK-56, AK-47 इंसास राइफल समेत अन्य नक्सली सामग्री की बरामदगी हुई है। वहीं 397 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 7 मैगजीन, बैटरी, मेमोरी कार्ड, 1,14,510 रुपये बरामद किए गए हैं। साथ ही CRPF और सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार नक्सली से पूछताछ जारी है। इस अभियान में CRPF, कोबरा और जिला पुलिस के जवानों और अधिकारियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। ये देखिए, कल इन्फॉर्मेशन मिला था मुझे कि कुछ जो नक्सली हैं वो थाना इमामगंज अंतर्गत ग्राम दुखतपुर में कुछ लोग जमा होने की सूचना थी, तो उसी में टीम यहां से गठित किया गया CTSP के नेतृत्व में, जिसमें SDPO इमामगंज थे, SHO इमामगंज थे और तकनीकी शाखा के हमारे लोग थे। साथ में SSB के यूनिट्स थे, STF था। इन लोगों ने रेड किया और साथ में फिर वहाँ पे CRPF ने भी ज्वाइन किया, तो सभी का एक ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ वहाँ पे। उस ऑपरेशन में हमने जो पुलिस ने और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने और STF ने एक नक्सली अशोक सिंह भोक्ता उसको पकड़ा। उसके पास से एक इंसास राइफल, 125 राउंड और 3 मैगजीन इंसास के पकड़े गए और उसी में फिर सर्च अभियान चला। तो सर्च अभियान में एक AK-56 असॉल्ट राइफल मिला जो चाइना मेड है, एक AK-47 दूसरा एक राइफल मिला, AK-47 का 232 लाइव राउंड्स मिला, उसके 3 कारतूस, 3 मैगजीन मिले हैं और 1,14,000 लेवी कैश मिला है जो लेवी से इन लोगों ने वसूल किया था। डेटोनेटर्स के तार मिले हैं, मोबाइल मिले हैं, मोबाइल टोटल हैं 8, छोटा मोबाइल है, 2 बड़ा मोबाइल है और हार्ड डिस्क मिला है, बैटरी मिला है, मेमोरी कार्ड मिला है, डायरीज मिली हैं और भी बहुत सारा सामान बरामद हुआ है। तो उसमें काफ़ी सफल ऑपरेशन रहा है कल का। इसमें जो नक्सली पकड़ा गया है, बाकी भी सामान जो यहाँ पर मिला है उसका लिस्ट आप लोगों को दिया गया प्रेस विज्ञप्ति में, जिसमें इसका टैब भी है, एक पुल थ्रू है, पॉकेट डायरी है, फोल्डिंग चाकू है, मेमोरी कार्ड है, पिट्ठू बैग है, बैटरी है जो मैंने आपको बताया। ये जो नक्सली पकड़ा गया है इसका क्रिमिनल हिस्ट्री, अभी 3 केसेस अभी हमारे पास हैं, बाकी भी जो है क्रिमिनल हिस्ट्री हम और इकट्ठा कर रहे हैं। डुमरिया में 2 केसेस हैं इस पर जिसमें नेम्ड एक्यूज़ है और मदनपुर औरंगाबाद में इसके ऊपर एक केस दर्ज है UAPA के अंतर्गत ही। तो ये काफ़ी एक्टिव नक्सली था वहाँ पे और काफ़ी केसेस में वांटेड था। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर, पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसी ही खबरों के लिए करें Say24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।